नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइवली टीवी रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। वैशाली जिला ब्यूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा के साथ प्रशांत प्रकाश की रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनेताओं ने अपनी चुनावी अभियान शुरू कर दी है। वैशाली के महनार जदयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा अपने गांव कजरी बुजुर्ग में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में सभी एनडीए के पदाधिकारी उपस्थित हुए और विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। बैठक में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सभी कार्यकर्ताओं में मास्क वितरण किया गया और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्यक्रम प्रारंभ हुई एवं सभी कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस बैठक में जदयू प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद, जदयू जिला महासचिव सह प्रभारी महनार नगर मनोज पटेल, बीजेपी के पूर्वी मंडल जंदाहा के अध्यक्ष मनोज झा, जदयू जिला उपाध्यक्ष अशोक चौधरी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष गजेंद्र प्रसाद राय आदि उपस्थित हुए। आज बैठक में हमारे एनडीए के सभी पार्टी के पदाधिकारी सब लोग उपस्थित हुए, कार्यकर्ता भी, और काफ़ी सफल एक कार्यक्रम रहा है जिसमें सब लोगों ने जो आगामी चुनाव होना है बिहार विधानसभा के चुनाव, इसमें किस तरह से चुनाव लड़ा जाए उस पर चर्चा हुआ है। और आप तो जानते ही हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव का विवरण बच चुका है, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगना है और इसके माध्यम से बिहार की दशा दिशा तय होना है। तो हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और जो एनडीए के सुशील कुमार मोदी जी हैं, रामविलास पासवान जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके अगुवाई में सब लोगों ने निर्णय लिया है। जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे उनको पूरी मजबूती के साथ है, पूरे कार्यकर्ता जो है संकल्पित हैं